आपके मरीज ने ये कहा है कि इनकी कमर में दर्द ऑन एंड ऑफ होता है, जी सर, टांग में दर्द होता है और बिल्कुल पैर की तली जलती है, बिल्कुल ठीक सर, है? ऐसे ही तो किस पैर की, दाएं या बाएं की? लेफ्ट की, लेफ्ट की। लेफ्ट की हो रही अच्छा है। जी, इनकी ये 3 MRI रिपोर्ट्स में सामने पड़ी हैं। जो अब लेटेस्ट MRI रिपोर्ट आपकी अगस्त 2022 की, उसके मुताबिक बीमारी जो इनकी स्टार्ट हुई थी वो बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। क्यों बढ़ चुकी है? ये जो सारी अलामत आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टांग में दर्द होता है, खिंचाव होता है, पैर की तली जलती है, ये डिस्क है जो नर्व रूट पर दबाव कॉज कर रही है, नस के ऊपर, ये चौथे पांचवें मोहरे के दरमियान, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। सिर्फ इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क इतनी सिम्टोमेटिक नहीं है, थोड़ा सा उसका दबाव है। असल मसला ये है कि ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जैसे आपके कोई भी आप चीज लेते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, रैप हुआ होता है, इसी तरह हमारे इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंटम फ्लेबम। वो बहुत इस पॉइंट पर थिक हुई पड़ी है। क्यों थिक हुई पड़ी है? वो इतनी मोटी हो गई है कि उसने इस नर्व रूट को दबा दिया है, बिल्कुल दबा दिया है, जिसकी वजह से इन्हें पेन हो रहा है। इसका इलाज करना पड़ेगा, इस लिगामेंट को सर्जिकली एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं एड्रेस करते तो मरीज को ये प्रॉब्लम रहेगा। इनका अभी टांग में दर्द हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुन होगा, फिर ये टांग कमजोर होगी और फिर जो होगा बेड, फिर मसाइल इनके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी पेन जो होना है वो एक वार्निंग साइन है।